टॉपिक रह गए थे, इसमें एक है हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, जो मैं लास्ट फॉर्मूले से ड्राइव करूंगा। जो हमारा पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन, ठीक है। अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो पावर इनटू टाइम हो जाता है, यानी जो आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बेस्ड ऑन पावर, कितनी पावर का वो है, यानी कितने वॉट का वो है और कितने टाइम के लिए आप उसे चला रहे हैं, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो ये होता है वॉट सेकेंड, और जो कि होता है 1 जूल, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन जो हम लेते हैं वो जूल की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। बट जो नापते हैं वो वॉट सेकेंड, यानी 1 जूल वॉट सेकेंड में। बट एक्चुअल में कौन सी चीज कुछ सेकेंड के लिए चलती है? अगर फ्रिज कुछ सेकंड के लिए चलता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कुछ सेकंड के लिए चले। तो हमें ना चाहते हुए हमें किसमें लेनी पड़ती है, वॉट आर। तो वॉट आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, ये तो 1 वॉट ही रहेगा, बट 1 आर को 3600 सेकंड लिख सकता हूँ। जो वॉट और सेकंड मिलके मेरे को क्या बना लेते हैं, जूल। वॉट सेकंड ही जूल होता है ना, तो ये 3600 वॉट सेकंड जूल बन जाते, 1 वॉट आर में कितनी एनर्जी होती है। अब इसको बोला कैसे जाता है, इसे बोला जाता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसकी पावर 1 वॉट है उसको 1 घंटे के लिए कंज्यूम करो तो वो 3600 जूल एनर्जी यूज करेगी, कंज्यूम करेगी। पावर ऑफ 1 वॉट वर्क फॉर 1 आवर देन इट कंज्यूम 3600 एनर्जी, नॉट 1000। अब इसी चीज को कई बुक्स ऐसे भी बोलते हैं कि 1 किलो वॉट आर, तो 1 किलो वॉट आर ऐसा भी लिखा होता, तो 1 किलो वॉट इंटू 1 आवर, 1 किलो वॉट यानी 10 की पावर 3 वॉट, और ये 3600 सेकेंड, तो ये 3600 का मैं हटा रहा हूँ, इंटू 10 की पावर 5 लिख रहा हूँ, और वॉट सेकेंड, वॉट सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, आपने देखा होगा 3.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है, क्योंकि पॉइंट जब इधर लाते हैं तो पावर एक बढ़ जाएगी, कोई डाउट। अब ये क्या है, 1 किलो वॉट आर, ये रिलेशन आपसे जरूर पूछा जाएगा एग्जाम, ड्राइवर रिलेशन बिटवीन किलो वॉट आर एंड जूल, और ये इसका स्टेप्स है, 3 लाइन के और 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर इज द एनर्जी व्हेन 1 किलोवाट ऑफ पावर ऑफ अप्लायंस यूज फॉर 1 आवर। अब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा जूल्स में, 3.6 पावर। अगर आप इसे नंबर चाहते हो तो 3.6 के बाद 5 जीरो लगा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 6 के बाद आप 5 जीरो, 36 लाख, बता रहा हूँ 36 लाख, तो 36 लाख जूल एनर्जी होगी, क्लियर है या नहीं है। तो ये आपको सबसे बेसिक चीज। अब इसी में कई बार, कभी एक बार आया था, अगर 15 साल की बात बोलूं तो 1 साल या 2 साल में आया है, बिजली का बिल कैलकुलेट करो, तो बिजली का बिल क्या होता है, यूनिट पे होता है, व्हाट इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट, 1 किलोवाट। अब मान लो आपकी यूनिट स्टार्ट हुई इस महीने की 8225 से, 8525, ठीक है, और आप कंज्यूम करते करते ले आए 8621 फॉर एग्जांपल, तो इसमें से माइनस कर दो सिंपल, और जितना रेट यूनिट का उसे मल्टीप्लाई कर देना, जो भी चल रहा है उसे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल हैव योर आंसर। समझ में आया है नहीं है? Yes, अब ये भी पूछा जाता है कि 1 किलो वॉट आर क्या है, 1 किलो वॉट आर को ऐसा क्यों नहीं सकते 1 वॉट किलो आर, क्योंकि किलो वॉट जो यूज होता है वो वॉट के साथ यूज होता है, ना कि आर्स के लिए यूज होता है, किलो आर कुछ नहीं होते, समझ में आ रहा, छोटी बारीकी है। ओके, आफ्टर दैट एक वर्ड यूज होता है पावर रेटिंग। आप लोगों ने कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर यूज करा है बिजली का, बल्ब सबसे बेसिकली हम जो लेके आते हैं उसमें आपको क्या होता है, अरे भैया 10 वॉट का बल्ब दे दो, 20 वॉट का बल्ब दे दो, 100 वॉट का बल्ब दे दो, वॉट बोलते हो। बट आप अगर जब बिजली उसको लेते हो तो आप कुछ ऐसा देखते हो कि वहां वोल्टेज भी लिखी रहती है और वॉट भी लिखा रहता है, दोनों लिखा होता है, बट आप मांगते क्या हो, वॉट।
वोल्टेज नहीं बोलते, क्योंकि हमारे ऑल ओवर इंडिया में स्टैंडर्ड वोल्टेज आते हैं 220 वोल्ट, जो आगे चल के आपको 12th क्लास में पता चलेगा वो भी गलत है, गलत नहीं है मतलब सही है, एवरेज में है वो असल में, क्योंकि हमारे घर में जो आता है वो एसी करंट है जो कि 311 से लेके प्लस के 311 से लेके माइनस 311 तक होता है, उसका एवरेज जब निकालते हैं रूट मीन स्क्वायर कहते हैं उसे, उसका जब एवरेज निकालते हैं तब जाकर वैल्यू पता चलती है कि 220 वोल्ट अप्रोक्सीमेट। तो हमारे घर में जो आती है वो 220 है, तो ये तो आपके लिए फिक्स कर दी उन्होंने 220 वोल्ट, ठीक है। अब आप जो लाते हो दैट इज पावर, ये क्या है, ये है वोल्टेज, और आप क्या ला रहे हो पावर, भैया इतने पावर 20 वाट का 30 वाट का 40 वाट का, ये दे बात समझ में आई, कोई डाउट है तो बताओ, यानी आपके कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में ये दो चीजें छपी होती है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास पावर का फॉर्मूला था, एक तो वी टू आई है, ठीक है, और क्या फॉर्मूला था, आई स्क्वायर आर है ना, और वी स्क्वायर स्क्वायर आर, यही है ना फॉर्मूले, अरे भैया यही फॉर्मूला। अब अगर मैं बिल्कुल बेसिक पहले दो फॉर्मूले उठा लू, पावर वोल्टेज करंट, तो करंट का फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा, पावर डिवाइड बाय वोल्टेज, कोई डाउट, ठीक है, ओके। और अगर मैं इसी फॉर्मूले में ये उठा लू तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय ये हो जाएगा। अब कईयों के मन में आ रहा था सर आई निकाल ले तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते, मैं अभी गिवन डेटा की बात कर रहा हूँ, गिवन डेटा से डायरेक्ट मेरा कौन सी चीजें निकल सकती है, तो पहला फॉर्मूले से निकलेगा करंट और लास्ट फॉर्मूले से मुझे निकलेगा रेजिस्टेंस। अब समझना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ऑफ एन अप्लायंस यू कैन नॉट चेंज अंटिल एंड अनलेस आप उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाते। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है, थोड़ी देर इस्तेमाल कर लो वो गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो रेजिस्टेंस था वो नहीं रहेगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बट अभी फिलहाल हम स्टैंडर्ड कंडीशंस को लेके चल रहे हैं। हाँ, एक बात के एमसीक्यू लिए मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस को लेके नहीं चलता, आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल्स। अगर मैं बोलूं ये पावर रेटिंग का एक मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू में बोलूं कि पावर रेटिंग से मिनिमम रेजिस्टेंस कितना होगा या रेजिस्टेंस कितना हो सकता है, क्या बोला पावर रेटिंग दे दी और मैंने बोला रेजिस्टेंस कितना हो सकता है, तो आप जो रेजिस्टेंस निकाल दो दैट इज मिनिमम रेजिस्टेंस। आप जो रेजिस्टेंस निकालते हो पावर रेटिंग से, मान लो 220 वॉट है और आपने 100 वॉट का बल्ब लिया फॉर एग्जांपल, तो इस वाले फॉर्मूले में डालो आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, 220 × 220 डिवाइड बाय, हाँ तो बताओ फिर आर का क्या होता है, 484 ये होगा ना, ये क्या है, ये मिनिमम रेजिस्टेंस है बच्चों, जब कोई भी करंट पास नहीं हो रहा, जैसे आपने उसमें करंट पास करना चालू करा रेजिस्टेंस बढ़ने लगे। अब मैंने आपसे क्या पूछा था स्टार्टिंग में, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, तो चार ऑप्शन पता कैसे मिलेंगे, एक तो यही होगा, बताओ कौन सा आंसर लग रहा है, नीचे वाला। जिन बच्चे ने पढ़ा होगा, नहीं भैया इससे क्या निकलता है फॉर्मूले से, रेजिस्टेंस निकलता है, जो बुक में तो यही लिखा हुआ है, बुक में लिखा रेजिस्टेंस निकलता है, रेजिस्टेंस निकाल दिया, मेरा ये आंसर है, ये तो मैथ्स में यूज होता है, फिजिक्स में थोड़ी यूज होता है, नहीं भैया फिजिक्स में भी यूज होता है। ये क्या बोला, रेजिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन 484 एंड लेस देन, मतलब इक्वल टू है, 484 के बराबर भी है बट बढ़ भी सकता है। और मैंने आपको कंडीशन साफ बोल दी कि अगर एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा तो आपको वो कंसिडरेशन में लेनी पड़ेगी वो चीज। अगर आपको बोल दिया जाए कि जैसे ओम्स लॉ में बोलते हैं ऑल द फिजिकल कंडीशन रिमेन कॉन्स्टेंट, अगर वो लाइन आपने नहीं लिखी तो आपका पूरा ओम्स लॉ गलत है। वैसे ही अगर क्वेश्चन में जब तक ये नहीं बोला कि ऑल द फिजिकल कॉन्सेप्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, तब तक आप ये बात नहीं बोलोगे, तब तक आप ये बात को नहीं ले सकते, इस बात को नहीं बोल सकते, आपको यही लेना पड़ेगा, समझ में। दूसरी चीज ये आपको देती है सेफ लिमिट ऑफ करंट, ये जो करंट आया यहां से, इसी को एग्जांपल को ही कर लेते हैं, तो अगर मान लो 220 वोल्ट का ले 100 वोल्ट का बल्ब लाया तो यहां रख दो करंट, पावर कितनी थी 100 और 220 से डिवाइड करो, भैया
पांच ग्यारह, तो पांच डिवाइड बाय ग्यारह अगर करोगे तो जो भी आएगा 0.4 समथिंग आएगा, वो जो करंट है वो करंट इज द सेफ लिमिट ऑफ करंट। उसके नीचे नीचे तक अगर आप करंट देते हो, उसके नीचे नीचे तक करंट देते हो, उस वैल्यू के नीचे नीचे तक, तो वो अप्लायंस चलेगा, वर्क करेगा, बढ़िया करेगा। बट उसके ऊपर अगर आपने करंट दिया वो फूक जाएगा। हाँ, इसलिए फ्यूज होता है जब ज्यादा वोल्टेज आता है, क्योंकि हमने पढ़ा है ज्यादा वोल्टेज आने से ज्यादा करंट होता है, ज्यादा करंट आने से हमारा अप्लायंस फूक जाता है। तो ये रीजन है। समझ में आया नहीं है? अब समझो, देखो आपको एक चीज और इसमें बतानी थी मुझे। हाँ, अगर वोल्टेज फिक्स है, बल्ब में फ्यूज क्यों होता? सस्ती चीज है, सिंपल। फ्यूज को बनाने में जितना कॉस्ट आएगा उससे सस्ता शायद बल्ब को बनाने में आएगा, तो मैं उसमें वो चीज नहीं लगाऊंगा जो उससे कॉस्टली है। ठीक है, तो भाई सीधी बात है, मैं बल्ब, अब जैसे मैं आपको बोलूं, आप जो लगाते हो स्टेबलाइजर लगाते हो, अब तो ऐसे नहीं लगाते, पहले के हमारे टाइम में स्टेबलाइजर लगते थे, तो स्टेबलाइजर फ्रिज में लगाया जाता था, लोग फ्रिज में यूज करते थे, ठीक है, एसी में यूज करते, क्यों? क्योंकि महंगी चीजें हैं भाई, फूक गई दीवार निकाल लेंगे, ठीक है। बट पंखे में कभी सुना है कि देखो स्टेबलाइजर लगाते, वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा तो फूकेगा, तो ये भी बड़ी 1000-2000 का नुकसान करेगा, वो ज्यादा कुछ नहीं, 50,000 का नुकसान करेगा, है सोचो अच्छा लगेगा, ईएमआई दे रहे हैं अभी भी, एसी के एसी फूक गया, बुरा फील होगा ना, थोड़ा इसलिए उसमें लगाते हैं। फ्यूज आप कहीं भी लगा सकते हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा नहीं लगा सकते आप कहीं, इन्वर्टर तक में फ्यूज लग के आता है आजकल, ठीक है, इन्वर्टर में क्या पहले भी आता था, मतलब ट्यूबलाइट में कभी सोचा नहीं, ट्यूबलाइट में क्यों नहीं लगाते, पंखे में क्यों नहीं लगाते, ये सब चीजें ऐसी हैं जो हो जाती है, ठीक है। ओके, हाँ क्या कह रहा था, हाँ देखो एक चीज इसमें दे रखी है, मैं रीड आउट कर रहा हूँ, द पावर कंज्यूम बाय द बल्ब विल बी इक्वल टू द पावर रेटिंग ओनली व्हेन अ बल्ब इज कनेक्टेड एग्जैक्टली एट अ वोल्टेज रेटेड ऑन इट, द पावर कंज्यूम बाय द बल्ब विल बी इक्वल टू, पावर किसके इक्वल हो जाएगी, द पावर कंज्यूम बाय द बल्ब इज विल बी इक्वल टू द पावर रेटिंग, जितनी उसमें वो आएगी वो उसके इक्वल होगी जब जब उतनी ही वोल्टेज है, ठीक है, वो उतनी ही पावर कंज्यूम करेगा। बट अगर वोल्टेज हाई और चेंज हो गया, यानी सिंपल भाषा में बोले जाए तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, हम क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज को कांस्टेंट कर लो, वोल्टेज को चेंज नहीं करना, तो ऑब्वियसली पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और मैं जो सिंपल बात बोल रहा हूँ कि भाई जितनी की आप वो लगा रहे हो, क्या कहते हैं, वोल्टेज जितना भी आप पावर, मतलब जितनी वोल्टेज आ रही है, अगर वोल्टेज फिक्स है और उसकी पावर कंजम्पशन फिक्स है, तो उसमें से पास होने वाला करंट भी तो फिक्स ही होगा एक तरीके से, वो भी चेंज नहीं होगा, और जितनी उसकी पावर रेटिंग उसमें छप रही है वो उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। बट अगर मैंने वोल्टेज कम कर दी जो उसमें छप रही है, तब क्या होगा, उसकी पावर कंजम्पशन भी कम हो जाएगी, और अगर वो बढ़ा दू तो पावर कंजम्पशन भी बढ़ जाए, इसे निकल के आ रहा है, समझ में आ रहा है बात है नहीं। तो अब समझ लो, जैसे कभी कभार आपको ये देखा होगा, हमारे जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं या मम्मी पापा, वो भी बता देते हैं, अरे वो जब पंखा स्लो घूमने जाता है, लाइट डिम जल रही है, वोल्टेज कम आ रही है, क्यों? जब वोल्टेज कम आती है, अभी मैंने आपको एक बात बताई, वोल्टेज कम आने से उसकी एनर्जी कंजम्पशन कम हो रही है, पावर कम को समझो, पावर कंजम्पशन को समझो, एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कम हो रही है तो एनर्जी कम हो रही है तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म भी तो कम होगी, एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही तो अगर जो भी उसका काम है वो उतना बेहतर नहीं करेगा, उससे कम डिके होकर करेगा, समझ में आया? इसलिए जब वोल्टेज डाउन होता है तो क्या होता है, आपका जो भी चीज है, अगर मैं बल्ब को फॉर एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम में आता है वो बल्ब भी आता है, ठीक है, बल्ब भी आता है, अगर पंखा आया तो बोलते हैं धीमे घूमेगा, ये मत कहते ना पंखा कम ग्लो करेगा, ठीक है, हम तो सर ने बोला था बल्ब भी आएगा, पंखा आ गया भाई, मैं ना पंखा कम ग्लो करेगा, ठीक है, इतनी खतरनाक फिजिक्स नहीं लिखनी,
ठीक है, वहाँ पे कहीं पता चला एग्जामिनर चेक करते कहे किस बच्चे से मिलना है, ये है कौन, इसके टीचर से ही मिलना है, ठीक है, ऐसा खतरनाक नहीं है। तो सिंपल सी चीज है, जो भी इलेक्ट, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं हीटर की बात करूं, कम वो हीट कम देगा, अगर हम उसकी बात करें पंखे की तो वो कम धीरे धीरे घूमेगा, बल्ब की बात करें तो कम ग्लो देगा, जो भी चीज है उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब देखो शायद अब बेहतर समझ में आए जब मैं ये रीड करूं, द पावर कंज्यूम बाय बल्ब विल बी इक्वल टू द पावर रेटिंग ओनली व्हेन बल्ब इज कनेक्टेड एग्जैक्टली एट अ वोल्टेज रेटेड ऑन इट। If the voltage at which bulb is connected slightly more, the bulb will glow more brightly. It will consume more power. ये बोला मैंने अभी इतनी देर से? Yes sir. And if the voltage is low, the bulb will glow less with a faint dull red light because it consume less power. सही है? Okay. और last इसमें क्या होता है current में? अगर आपने safe limit तक current दिया तो वो चलेगा, और अगर उससे सेव लिमिट से करंट को एक्सीड कर देते हो तो काट देता है, जो भी एक्स वाई जेड रीजन रहता है। वही सेम, इसी सेम प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं एज अ फ्यूज वायर हम हाउस होल्ड सर्किट में पढ़ेंगे। हाउस होल्ड सर्किट में जब वो जो फ्यूज वायर जो बनता है उसका एक सेफ लिमिट ऑफ करंट होता है जो स्टैंडर्ड वोल्टेज करके स्टैंडर्ड वोल्टेज पे बनाया जाता है। बात समझ में? अगर उस सेफ लिमिट से ज्यादा करंट जाएगा, अब याद करो मैंने आपको हीट का ये फॉर्मूला बताया था, आई स्क्वायर आर स्क्वायर, अब देखो हीटिंग इफेक्ट, तो मैंने कहा था ये वाला फॉर्मूला मोस्टली यूज करते हैं। रेजिस्टेंस ऑब्वियसली उस वायर का फिक्स होगा और ऑब्वियसली टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा। टाइम, कोई भी चीज का जब इम्पैक्ट होने लग जाता है तो टाइम बढ़ता ही है, कम तो होता नहीं। जितना ज्यादा डेट टीवी यूज करोगे उतना गरम मिलेगा, उतना ठंडा नहीं मिलेगा। yes, तो जितना ड्यूरेशन बढ़ेगा उतना हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस फिक्स है, हम आइडल कंडीशन लेके चल रहे हैं, बट हम सबको पता है जितना आप कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज यूज करते हो उतना टेम्परेचर बढ़ता है और रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब करंट ये फिक्स है, बट इमेजिन कि सेफ लिमिट ऑफ करंट से ज्यादा का करंट आ गया तो हीट इफेक्ट बढ़ गया, यानी हीटिंग एनर्जी या हीट एनर्जी ज्यादा हो, वो हीटिंग एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट से या मेल्टिंग पॉइंट के लिए जो एनर्जी चाहिए, आपको पता है अभी हीट चैप्टर हमने पढ़ लिया पहले, हीट चैप्टर में क्यू टू एमएल वो भी एनर्जी है, उससे ज्यादा अगर एनर्जी हो गई तो मेल्ट कर जाएगा, वो पिघल जाएगा, वो स्टेट चेंज कर गई, और अगर वो पिघल गया और सर्किट ब्रेक हो गया तो हमारा आगे का जो चीज है उसको बचाना